और दोस्त क्या हाल है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी लाइफ में कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें आप मान लेते हो कि सच है, पर असल में यानी कि सच में वो कुछ और ही होती है। जो दिखता है वो कभी होता ही नहीं है, जैसे मानो कोई इल्यूजन, जैसे इल्यूजन में हमें दिखता कुछ है और होता कुछ और ही है। वैसे ही आपकी लाइफ से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनको आप सच मान लेते हैं। जैसे मुझे लगता था कि ये आइसक्रीम है, या फिर ये फुटपाथ की ईंटें लोग अपने हाथों से लगाते हैं, पर मैं पूरा गलत था। यकीन नहीं हो रहा ना? तो आज हम आपको ऐसी ही कुछ बातें बताएंगे जिन्हें जान के आप हक्के बक्के रह जाओगे। वेट वेट वेट, आपको क्या लगता है कि मूवीज में सुपरमैन का केप कैसे उड़ता है, या फिर ये मॉडल के बाल कैसे उड़ रहे हैं? सोचो सोचो, इस पे सोचने वाली क्या बात? ऑब्वियसली फैन से नहीं। मुझे लगता है कि आप में से कई सारे लोग अब यही सोच रहे होंगे कि रहस्य भाई, फैन से नहीं तो क्या एसी से उड़ रहे थे? अरे पर यार नहीं, फैन नहीं, कूलर से उड़ रहे थे। अच्छा नहीं, मजाक कर। असल में जब सुपरमैन ग्रीन स्क्रीन के आगे फ्लाइंग पोज पर जब एक स्टूल पर लेटा होता है, तब कुछ लोग ग्रीन कलर के कपड़े पहन कर उसके केप को उड़ा रहे होते हैं, जिन्हें बाद में एडिटिंग में स्क्रीन स्क्रीन से हटाकर उनकी जगह कोई भी बैकग्राउंड लगा दिया जाता है, जिसमें से वो लोग गायब हो जाते हैं। ऐसे ही आपने शैम्पू या ऑयल के एड में तो देखा ही होगा कि मॉडल्स के बाल उड़ते रहते हैं, वहाँ पर भी कोई बंदा ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर खड़ा होता है। लेकिन दोस्त, इसकी जगह फैन का यूज भी हो सकता है, पर क्योंकि फैन पर कंट्रोल करना मुश्किल है, अरे भैया बाल तो कैसे भी उड़ जाएंगे ना, इसलिए ग्रीन निंजा को ही यूज किया जाता है। ऐसे ही सुपरमैन की केप में भी होता है, क्योंकि केप तो भारी होता है, इसलिए उसे इसी टेक्निक से उड़ाना पड़ता है। पाइनएप्पल, क्या आपको पता है कि पाइनएप्पल कैसे उगता है? कुछ मेरे जैसे लोगों को लगता है कि पेड़ पर उगता है, और मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चों को ये लगता होगा कि पाइनएप्पल तो सी में उगता है, जैसे कि उन्हें स्पंजबॉब में देखा भी होगा, पर इनमें से कुछ भी सच नहीं। असल में तो पाइनएप्पल बुश में उगते हैं, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पाइनएप्पल के कोई बीज ही नहीं होते। बीज हाँ? नहीं होते तो फिर पाइनएप्पल उगाते कैसे दोबारा? तो अगर दोबारा से कोई पाइनएप्पल उगाना हो तो उसकी बुशेस को जमीन में गाड़ दिया जाता है, और फिर उसको उगा के खा लो। वैसे मुझे तो पाइनएप्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना पाइनएप्पल फ्लेवर्ड आइसक्रीम पसंद है, ना पाइनएप्पल टैक्स, और ना ही पाइनएप्पल फ्लेवर्ड कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स कॉर्नफ्लेक्स से याद आया कि क्या आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपने सीरियल्स को बेचने के लिए, यानी कि वही जो आप सुबह खाते हो ना कॉर्नफ्लेक्स, उनको बेचने के लिए उनकी पैकेजिंग करती, वो उसकी तस्वीर लेने के लिए क्या क्या नहीं करती। अरे यार सच्ची में तुम ये देख के ना बहुत हैरान रह जाओगे। आपने चौकोस के पैक तो देखे ही होंगे, उस फोटो में जो दूध होता है ना, मेरा मतलब जो कि दूध लगता है, वो दूध होता ही नहीं, एक्चुअली वो तो ग्लू होती है जैसे फेविकॉल। एडवर्टाइजर्स और फोटोग्राफर्स उसमें दूध का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि दूध तो काफी पतला होता है, और उसमें कॉर्नफ्लेक्स दूध को सोक करके नीचे चले जाते, इसलिए उन्होंने ये टेक्निक निकाली, इससे दूध काफी गाढ़ा दिखेगा और कॉर्नफ्लेक्स नीचे भी नहीं जाएगा। अरे कमाल, जब भी मैं कॉर्नफ्लेक्स मॉल से लेने जाता हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरीके से बेवकूफ बनाया गया। वैसे मॉल के कई सारे झूठ तो मैंने पकड़े हैं, शायद आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि जब आप मॉल में जाते हैं तो उन्होंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए पहले से ही कई प्लानिंग कर रखी होती है। आप ये तो जानते ही होंगे कि चीज तब ज्यादा बिकती है जब उसकी एडवर्टाइजिंग ज्यादा होती है। वैसे ही मॉल्स में भी आपने देखा ही होगा कि टॉवल्स के डिपार्टमेंट इतने सारे टॉवल्स फोल्ड करके रखे होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त वो बस आपकी आंखों का धोखा है। कई बारी वहाँ इतने सारे टॉवल्स नहीं है, बल्कि उन्होंने एक टॉवल को ही फोम में फोल्ड करके कई सारे टॉवल्स जैसा बना दिया होता है। ये बिल्कुल एक इल्यूजन की तरह है, आपको तो ऐसा लगता है कि कितने सारे टॉवल्स रखे हैं, पर होता वो सिर्फ एक ही टॉवल। हाउ फुलिश। ये देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि इस स्पेस का तो काफी अच्छा इस्तेमाल हो सकता था, क्योंकि इंडिया में तो वैसे ही स्पेस की इतनी कमी है। जब रोड पे ट्रैफिक बढ़ जाता है तो लोग फुटपाथ पे भी अपनी गाड़ियां अपनी बाइकें चढ़ाना शुरू कर देते, और वैसे इंडिया के फुटपाथ की हालत इतनी खराब है, और ऐसे वो और टूट जाती है। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि फुटपाथ की जो ईंटें होती है ना, लोग वो अपने हाथों से लगाते हैं, और आप में से कई लोगों को भी यही लगता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आप इन्हीं लोगों को देख लीजिए कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे। वैसे कई सारी कंपनीज ऐसा करती हैं क्योंकि इससे उन्हें बस वुडन ब्लॉक पैटर्न पर कंक्रीट को डालना होता है, और बस ऐसा करना एक एक ईंट लगाने से काफी आसान है। अब कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि इन्हें इस ब्रिक शेप में डालने की क्या जरूरत है, चाहे तो इसे सीधे सीधे भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर ये एक रोड की तरह फ्लैट हो तो ये आसानी से टूट जाएगी, और इसे टूटी रोड को ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। वैसे ही प्रॉब्लम है, सिर्फ यही नहीं, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए अब हाथ से तो ईंट नहीं लगा सकते, इसलिए वहाँ बड़ी बड़ी रोड प्रिंटिंग मशीन इस्तेमाल होती है, उसे बस आपको ईंटों को उसके ऊपर डालना होता है,
और सारा काम वो खुद ही कर देती है। अब गर्मियों का मौसम तो आ गया है, क्या आप लोगों ने आइसक्रीम खानी शुरू कर दी? आइसक्रीम, हाँ मैंने आपको शुरुआत में आइसक्रीम भी दिखाई थी और कहा था कि ये आइसक्रीम नहीं है। आप क्या कहेंगे कि आइसक्रीम है या नहीं? दोस्तों असल में ये बस मैश्ड पोटैटोज है जो कोन पर रखे। इन मैश्ड पोटैटोज को रख के एक आइसक्रीम के जैसा इसलिए बनाया जाता है ताकि फोटोग्राफर्स इसकी अच्छे से फोटो ले सके, क्योंकि अगर वो एक असली आइसक्रीम की फोटो लेंगे तो वो जल्दी से पिघल जाएगी और एक अच्छी फोटो लेने के लिए एक फोटोग्राफर को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इस टेक्निक को तो कई टीवी एड में भी यूज करते हैं, अभी तो उनकी आइसक्रीम नहीं पिघलती। तो दोस्त ये थी कुछ ऐसी बात जो मुझे लगता है कि आपको जाननी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम वहां पर ऐसे ही पोस्ट डालते रहते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है।